हमारे चैनल पार्क टाइम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मरहूम तारिक अजीज के आखिरी अल्फाज सामने आ गए। इंतकाल से पहले ऐसी वसीयत कर गए कि हर आंख अश्कबार हो गई। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के माया नाज टीवी मेजबान तारिक अजीज दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक तारिक अजीज की औलाद नहीं थी, जिसके बाइस दो साल पहले ही उन्होंने अपनी तमाम जायदाद और दौलत रियासत पाकिस्तान के नाम कर दी थी, जिसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा था। तारिक अजीज का अपने पैगाम में कहना था कि अल्लाह पाक ने मुझे औलाद नहीं दी, ये खुदा की कुदरत है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे और जिसे चाहे देकर वापस ले ले। मैं मरने के बाद अपनी सारी जायदाद दौलत पाकिस्तान के नाम करता हूँ। इनका मजीद कहना था कि मैंने ये वसीयत की है कि मेरा सब कुछ मेरे मरने के बाद पाकिस्तान का है। इनकी इस ट्वीट को देखने के बाद हर आंख अश्कबार हो गई। तारिक अजीज की एक और ट्वीट भी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने लिखा कि यूं लगता है वक्त थम गया है, रवा दवा जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आजादाना नकलो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत है। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ताहम अब तारिक अजीज हम में नहीं रहे हैं, जबकि इनकी हिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अल्लाह ताला तारिक अजीज के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। इनके लिए दुआए मगफरत नीचे कमेंट्स में जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।